जरा इंसीडेंट होया साढ़े सत्कारयोग बीबी अमरजीत कौर जी की प्रॉपर्टी का लैंड ग्रैब लैंड माफिया ये प्रॉपर प्लैंड तरीके नाल होया मत समझना इन्हां दे कल्लियां दे उत्ते हमला वा ये एन आर आई वीरां भैणां नूं कहना चाहुंदा तुहाडे सब लई चुनौती है अगर इन्हां दी कोठी रिट्रीव ना होई तो समझ लेना कि विश्व च बैठे 60-70-80 लाख एन आर आई की जो भी जायदाद है पंजाब दे विच वो तुहानूं मुड़ के मिलेगी नहीं क्योंकि इहदे नाल ज़्यादा ब्लेटेंट फोर्जरी फ्रॉड ट्रेसपास टेंपरिंग विद डॉक्यूमेंट्स हो ही नहीं सकता और सामने बैठे 77 साल के बजुर्ग मसी तुर के अंदर आए ने वॉकर के नाल पैर इन्हों के सुजे हुए ने इन्हों कई तरह के मल्टीपल बेचारे के हेल्थ इशूज ने लेकिन इन्हों अपनी प्रॉपर्टी बचाने वास्ते हजारा मील कनेडा तो इतने आना पिया वा तो की सरबजीत कौर माणूके या मानसा सरकार ते होर एस एस पी ते डीसी इन्हों के चेहरे देख के दस सकते कि लेजिटमेट ओनर्स ने इन्हों को सही रजिस्ट्रियां ने इन्हों के सही डॉक्यूमेंट्स ने लेकिन मैं कहना चाहना कि यह व्योतबंदी हो रहा मेरे वीरो भैनों के भाओ पंजाब के लोगों तुम भी सुन लो गल आइसोलेटेड केस ऑफ प्रॉपर्टी ग्रैब नहीं गा यह एक प्रॉपर ऑर्गनाइज सिंडीकेट बनी हुई है पंजाब के जी लैंड माफिया वा और इस लैंड माफिया के इन्होंने सारे एन आर आई की प्रॉपर्टीज़ ना की कहते होंगे कि आइडेंटिफाई की हुई सारे पंजाब के ऑलरेडी बहुत केसिस चल रहे हैं एन आर आई सभा के कोल एन आर आई पंजाब पुलिस के विंग के कोल जिथे किसी संतुष्टि नहीं मिल रही लेकिन ज अगर इन्हों की कोठी ना मिली वापस समझ लेना थोड़ी किसी की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी वापस मैं एन आर आई के खिलाफ मा लैंड माफिया इसलिए जिक्र किया वा क्योंकि एक करम सिंह 24 घंटे सर सरबजीत कौर माणूके नाल रहिंदा इन्हां दे कोल तस्वीरां ने कढ के दिखाओ अगर तुसीं कढ सकदे इन दी टाइम करम सिंह जिहड़ा कोई रिटायर्ड बैंक मुलाजम है वकील बन गया वह इस लैंड माफिया का एक ग्रोह है पूरा और इस दुख ना कहना पैंदा कि साडी भैण सत्कारयोग बीबी सरबजीत कौर माणूको इस ग्रोह की हैड है इहदी मर्जी तो बगैर आ जरा तुसी देख रहे फोटो दिखा रहे बाजवा साहब एक करम सिंह ही है पीली पग होर दिखाओ अगले पासे जिहड़ा 24 घंटे एमएलए दे नाल रहिंदा उहदे फंक्शनां च जांदा उहदे नाल अटेंड करदा उहनूं मालिक बना लिया वा यह बकायदा व्योतबंदी दे नाल होया काम इह उहनां ने देख लिया मैं तुहानूं दस दिंदा इहदा मोडस ऑपरेंडा ही की आ उहनां ने देख लिया कि इह जिहड़ा एन आर आई परिवार है आ देख लो आ अशोक कुमार है जिहड़ा फ्रॉड पावर टॉनी होल्डर है इहदे बारे वी दसदा मैं उन्होंने देख लिया कि कोठी खाली पई है उन्होंने देख लिया कि कोठी खाली पई है और उन्होंने एक पूरी साजिश घड़ी एक फर्जी बंदा खड़ा अमरजीत कौर खड़ी की पिंड लोगों की पुलिस को लभना औखा वा लोगों कि वड्डा पिंड है जिहड़ा इन्हां दे जद्दी पिंड है जिथे बेचारे हुण गर्मी च रह रहे हैं बगैर पखियां तो रह रहे हैं सौरे ने रातां नूं जाके इस कड़क की गर्मी के लोपो पिंड चो आइडेंटिफाई करना औखा वा नंबरदार सरपंच कौन गया सीगा किहने तसदीक कीता अमरजीत कौर कौन आ अमरजीत कौर बनाई फेक फिर उस अमरजीत कौर तो एक फेक डॉक्यूमेंट तैयार किए गए पावर अटॉर्नी के जो कि असल अमरजीत कौर के जिहड़े सीगे इस्तेमाल किए गया सारा झूठे सिग्नेचर अटॉर्नी देती अशोक कुमार नूं अशोक कुमार ने फिर अगे दे दी करम सिंह नूं रजिस्ट्री कराती है और रजिस्ट्री कराने तो बाद उन्हें कोठी किराए दे दी बीबी अमरजीत सरबजीत कौर माणूको बनगी लड़ी झूठी अमरजीत फेक अशोक कुमार अमरजीत कौर बीबी सरबजीत कौर का एक हाथ टोका करम सिंह ओनर बनाता तो कोठी बन गया ये तो जे तुसी सारे मीडिया वाले ना साडी मदद करते तो विश्व बैठे एन आर आई के जेडे इंसाफ पसंद लोग ने वो ना आवाज उठाते तो एक कोठी पक्के तौर पर उन्होंने अपनी सरबजीत कौर माणूको ने बना ली सी उहदे च ऑल्टरेशन करती है दफ्तर का ब्लॉक बना लिया उन्हें मिंटो मिट्टी सड़क बनाती सारी कॉलोनी में किस बाकी सारी जगह इंटरलॉकिंग टाइल्स लगियां ने एमएलए साहब की कोठी नूं सड़क जिहड़ियां पिंडां च 15-15 साल सड़कां लिंक रोड्स टुटियां पईयां ने इहदे कोठी नूं मिंटा सकिंटां दे विच सड़क बन गई इह तां पक्का कब्जा कर गई सीगी अंदरों सारी छेड़छाड़ कर दित्ती ड्रॉइंग रूम ला करते बाथरूम पकते एसी लाते रिपेयर कर दित्ती सब कुछ करता सीगा ताही उह दुख हो रहा उस कोठी छड्डण दा और इह छड्डी नहीं गई हले असल लड़ाई हुण शुरू होई है मैं बाजवा साहब नूं बेनती करूंगा ये साडी भी ओपोजिशन का इम्तिहान की घड़ी आ मैं इन्हां दा ऋणी हाँ इन्होंने एक आवाज़ के उत्ते इन्होंने कहा आप हरगिज़ मदद करनी उन्होंने लड़ाई असल हुण शुरू होई है
क्योंकि हुण भी पोजेशन सरबजीत कौर का डिफैक्टो पोजेशन सरबजीत कौर का ही है, कोठी दे विच करम सिंह का नहीं गा। करम सिंह सिर्फ एक हाथ टोका उस लैंड माफिया गिरोह का। और दुख इस गल का वा कि मान साहब जिहड़े एन आर आई दे सोले गाउंदे सी, और मैनूं दस्सिया इन्हां दे हसबैंड परमजीत सिंह टोरोंटो रहिंदे ने, और उन्होंने सारे एन आर आई कोलों इकट्ठे करके पैसे भेजे ने इस इलैक्शन दे विच, सरबजीत कौर की इलैक्शन च फंडिंग की इन्हां नूं। आ जिला देख लो एन आर आई नूं की दे रहा, और मान साहब की कहिंदे आ कि असीं अपने बच्चों को वापस मोड़ के लैके आवांगे, इत्थे पंजाब दे विच जॉब्स होणगीआं, आ जॉब्स दोवोंगे तुसीं, तुहाडी मां दे बराबर दी उमर दी औरत धक्के खा रही है पंजाब दे विच, कदी डीसी दे धक्का, कदी एसएसपी दे, कदी एसपी दे, कदी डीएसपी दे, कदी ओएसपी तुहाडे चीफ मिनिस्टर दे दफ्तर दे विच, कदी गुरतार संधवां दे कोल। यार सब दीआं जमीरां मर चुकीआं ने सिर्फ चंद पैसिआं दे वास्ते। सो मैं ये कहना चाहना कि यह अमरजीत कौर की प्रॉपर्टी पर हमला नहीं गा, ये सारे विश्व बैठे पंजाब के एन आर आई की जायदादों के उत्ते वड्डा हमला किया वा इस माफिया ने। और इदां दा माफिया हर पिंड, हर जिला, हर सब डिविजन च बैठा वा, कभी करी जाएगी कब्जे से। मान साहब मैं तुम्हें पूछना चाहना फिर कहदे लई खोले ने एन आर आई थाने, बंद करो यार, कहदे लई खोली एन आर आई की पुलिस का, और जो एक सैपरेट विंग बनाया बंद करो उसको। अगर कोई एन आर आई की अदालतें चलती स्पैशल बंद करो उन्होंने, बिकॉज दैट इज ऑल एन आई वॉश, इट इज ऑल ए इट्स अ फार्स बीइंग प्लेड इन द नेम ऑफ द एन आर आई। एन आर आई साल दो साल बाद जिसे बुला लेंगे, कभी आ कुलदीप धालीवाल होनी बुला लेंगे, पहला उतो अकाली वाले बुला लेंगे, सके अगर सम्मेलन होया जी एन आर आई का, चाह बुला देते, रसगुल्ले खवा के, बर्फी खवा के तोड़ दिता। वट अबाउट दे प्रॉपर्टीज, वट अबाउट द लैंड, वट अबाउट द सैल्फ रिस्पैक्ट। और जी पहला आई सी एन आर आई फैमिली अमृतसर, जी सा भैन तुम दस के गई आ दास्ताने तशद, कि एक शराब का माफिया उन्होंने पैलेस में फंक्शन वड़ के जो उन्होंने कुटमार की, तोहीन की। एन आर आईज तुहाडा की ख्याल, आर दे ओनली मिल्किंग कॉप काउस, सिर्फ पैसे इकट्ठे करने एन आर आई से रखी है। सो मैं बाजवा साहब की गल की सपोर्ट करता, अगर सरबजीत कौर तू सची हाँ तो लिख के दे कि मैं ये सारे घटनाक्रम का सी बी आई की जाँच लिए तैयार है। असी दवाने बीबी अमरजीत कौरों अर्जी दवावे, असी तो चलो जावे इन्हों भेजा। कि मैं सरबजीत कौर माणको एक चुनौती देना चाहना, तुम कहने मैं सची हाँ, तेन इन्ना नहीं पता लग्या कि कोठी का टाइटल कौन है, वड्डे वड्डे साइन जो झूठे नजर आ रहे हैं, तो मैं कैमरा जूम करके दिखाऊंगा, तुम देखो जरा, अन्ना बंदा भी पछाण सकता कि झूठे साइन ने अमरजीत कौर के, लेकिन उन्होंने पता नहीं लग रहा। और चाबियां किनू दित्तिया ने, करम सिंह नूं। वाई डिड शी नॉट हैंड ओवर द कीज टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ जगराओं एंड डिप्टी कमिश्नर के एस एस पी को पूछना चाहना, तुम यार सुते पे हो, तुम कही जाने रेवन्यू रिकॉर्ड मैं की, एस एस पी गल मैं की, एस पी गल अखे रेवन्यू रिकॉर्ड चेक करें, यार सारा कुछ डिजिटलाइज आ, विद इन 5 मिनट्स यू कैन गैट द रिकॉर्ड ऑफ जगराओं, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर। मेरी जमीन का मेरे से एफ आई आर दर्ज की 51 साल का रिकॉर्ड कट के, रात को 1:40 में एफ आई आर दर्ज हुई भलत पुलिस स्टेशन के, इन्हों का रिकॉर्ड लगभग 15 दिन लग रहे ने। इतों पता लगता वा कि सारी मिली भुगत माफिया, टोटल फ्रॉड, फोर्जरी, टेंपरिंग, ट्रेसपास, कोई शब्द नहीं गा जिहड़ा इन्हां दे नाल नहीं इस्तेमाल किया गया। मैं ये कहना चाहना वा कि अगर तुम नहीं करोगे टाइम सिर कोठी खाली, और परचे नहीं दर्ज करोगे क्रिमिनल केस, सब तो परचे बनते हैं इनकलूडिंग द MLA, दे विल बी फोर्स टू मूव द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, बिकॉज MLA इज इनवॉल्व, देयर इज अ स्पेशल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट जस्ट टू डील विद द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द MLAs एंड MPs, इट विल गो देयर, दिस केस विल गो टू द CBI, जेड़े तहसीलदार ने किया परचा, अटॉर्नी अटेस्ट, जेड़े पटवारी ने किया, जेड़े नंबरदार ने गवाही दी झूठी, जेड़े MLA ने कब्जा किया, जेड़े करम सिंह ने किया, जेड़े अशोक कुमार ने किया, सब ते परचे दर्ज होणगे, दूर हो सकता, लेकिन ये बेइंसाफी असी जी एकदम छड़ांगे नहीं। और कल मैं बीबी भैन अपनी मन मानू के कहना चाहना, यार अपने इन्ना गुस्सा किया, कसूर तुहाडा, करतूतां तुहाडियां, कब्जे तुहाडे, चीटिंग तुहाडी, तो सारा प्रेस के मूहरे आण के खहरा खहरा, जिन्हें मेरे से इल्जाम लाए, मैं एक एक लाइन च कहना, बेबुनियाद, झूठे, मन घड़त। मेरी चुनौती है कि चल ऐ कर, मेरा भी पा विच, कोठी का भी पा विच, खहरे की भी करा CBI जांच, अपनी भी करा CBI जांच,
ते सारा लिख के दे। मैं अगर मेरी एक इंच भी जायदाद को गलत होगी, साढ़े पिंड में जी साड़ी जद्दी जायदाद है वो 250 साल पुरानी है। वन ऑफ आवर फोर फादर्स महताब सिंह खेरा वॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग दिस टू ऑन पब्लिक रिकॉर्ड, मैं कभी कहना नहीं चाहता। कपूरथला स्टेट के महाराजा ने साढ़े परिवार को 2800 किला जमीन दी है इन एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। शादीपुर पिंड, रामगढ़ पिंड, शेर सिंह वाला पिंड, सारे साढ़े और साढ़े के क्वेश्चन करके तो कितों जमीन आ गई जी। जिन्हें भी इल्जाम लाए मेरी चुनौती है कि मैं खड़ा तेरे सामने आ ते CBI की जांच तू भी करवा अपनी, क्योंकि आ मेरे को रिकॉर्ड है। ये दंगा पीड़ितों के फ्लैटों में रही मेरे वीरो कहती सी ना मेरे को एक इंच प्रॉपर्टी नहीं गी। शी स्टेज इन फ्लैट नंबर 2950 CRPF कॉलोनी दुगरी रोड, जिड़ी के 84 के दंगा पीड़ितों की कॉलोनी है। तीन फ्लैट से 2950A, 2950B, 2950C और इस फ्लैट में एक ट्यूशन सेंटर चलाया से ने विनायका मिशन यूनिवर्सिटी को फेक सी तमिलनाडु की जितों ये घर वाली की डिग्री है। उस विनायका यूनिवर्सिटी का ट्यूशन सेंटर फर्जी अपने फ्लैट दंगा पीड़ितों के फ्लैट में चला के बच्चों को चीट किया। 2020 नवंबर की अमरपाल कौर एक टीचर है, वो तीन बच्चों के कोलों 2-2 लाख रुपया डिग्री लैन का तमिलनाडु की जन यूनिवर्सिटी का, वो 2-2 लाख रुपया खा गई तो बाद उन्होंने डरा लिया बेचारे कंप्लेनेंट्स को बिठा लिया। अज भी पैसे देने और आई विल नॉट बी सरप्राइज जे डिग्री सरबजीत कौर की MA इकनोमिक्स इज ऑलसो फेक। आई विल नॉट बी सरप्राइज जी हस्बैंड की डिग्री है सो कॉल्ड MPhil हैगा दैट इज ऑलसो फेक। नाउ दैट इज ऑल सबजेक्ट टू इनक्वायरी। कम ऑन, जे थोड़े जान हैगी आओ पब्लिक डोमेन में आओ तो CBI की जांच करो फेस। मैं करने तैयार हाँ तो तुम भी मोरे हो बेबुनियाद मन घड़त झूठे इल्जाम लाने तो गुरेज करो। कल थ्रेट कर रही थी मैं परचा दर्ज कराऊंगी जो मेरे खिलाफ बोलेगा। आ करतूत है थोड़े आम आदमी पार्टियां की, जोड़ा नहीं करेगा मैं डेफोमेशन करूंगी। शी इज ट्राइंग टू थ्रेटन पीपल कि पंजाब की सारी आवाज़ बंद करवाना चाहते हैं। यह आ नवा जोड़ा बदलाव इन्हें लेके आया सके, सो असी मैं कहना चाहना कि असी इन्हों की लड़ाई अखीर तक लड़ांगे और लोड पे तो हाईकोर्ट 100% मूव करा।